खुशी में टिड भरी, आज आपको मैं ना 1 लाख रुपया दे रही हूँ। ये देखो टिड भाई, वापस चलो गुरदासपुर। क्योंकि मैंने एंट्री मारी, दोनों में से कोई उठ के खड़ा नहीं होके मिला कि बंदे को रिस्पेक्ट होती है यार, घर पे कोई आया है। एक डॉक्टर की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत पुरानी बात है। मेरे पेट में रात को दर्द हुआ था, पापा मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके गए, लालस रोड के पास था हॉस्पिटल। नहीं नाम नहीं लेना। तो मुझे हॉस्पिटल लेके, बहुत मतलब एंड जिसको दर्द कहते हैं ना, वो वाली दर्द थी। मैं तड़प रहा था, मुझे लेके गए हॉस्पिटल, मुझे वहां लिटाया गया। वो क्या होता है उनका, बेंच स्ट्रेचर, वहां लिटाया। तो एक डॉक्टर आया, उसने मेरे पेट पे ऐसे किया, तो कहता इनको अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनका लिवर कभी भी फट सकता है। सोचो मेरे मुंह पे मुझे डॉक्टर कह रहा है कि इनका लीवर कभी भी फट सकता है। मैं तो मतलब वैसे ही सोच के दिमाग फट गया यार, बुरे हाल हो गए साक्षी। तभी से आपको बातें समझ नहीं आ रही। फिर पापा ने उनको बोला कि आप डॉक्टर हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पेशेंट के सामने ऐसी बात नहीं। उन्होंने भी रियलाइज किया, उनके सीनियर डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये गलत किया इन्होंने। तो बाद में पता लगा कुछ नहीं हुआ था, कोई लीवर नहीं फटा था, कोई कुछ नहीं हुआ था, वो भी कुछ और ही निकली पे। शुक्र ये नहीं बोला, आई एम सॉरी आप लाने में काफी देरी कर चुके, 5 मिनट पहले लेके आते तो लीवर फटने से बचा सकते थे। तो चलो दोस्तों, अभी मुझे गुरदासपुर जाना पड़ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं वहां जाके पार्टी करूंगा साक्षी इस चीज की। जाएंगे लोग दे रही है, गुरदासपुर जा रहा हूँ। तो ठीक है आप आओ फिर थोड़ी देर में वापस, फिर हम पार्टी करते हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप सबने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, तब मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि डरने की बात नहीं, आप मत डरो, बहुत ज्यादा हिम्मत आपके साथ, फैमिली इतनी अच्छी। बिल्कुल, मैं इसको खुद सपोर्ट करता था, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। मैं तो गाना भी घर पे यही चला था, डरने वाली क्या बात गाना सुनाओ। क्यों? एक सेकंड मम्मा, ये क्या बात हुई? आंखें साक्षी की खुशखबरी मिली है आंखें से। चलो सुनाओ जी आंखों वाला गाना। ये देखो घर पे नया ही काम है, आंखों पे गाना, शाहरुख खान का वो गाना है। दांत में किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई, किडनी पे गाना गाओ। अगर दिमाग गाड़ भी नहीं दिखी होगी, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? शाहरुख खान की फिल्म नहीं थी वो? ये वाले की भी काली तो चलो दोस्तों आप मैसी करके गाना बता देना कौन सा गाना चाहिए मम्मा को आंखों पे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चले नहीं भाजी, तो चलो हम जा रहे हैं अभी गुरदासपुर। बाय बाय। तो चलो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं गुरदासपुर, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ, अभी आ जाना है। हाँ भाई अभी का पता नहीं लगना था किसी को कि गए हुए दुबई, हमने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया। तो चलो फिर ठीक है जाने दो, चलो बाय। बात अभी मैं एक बताना भूल गया था, मैंने सोचा बता देनी चाहिए। जो घर पे बात चल रही थी कि एक डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, तो वो डॉक्टर के साथ कभी यूट्यूब पे वीडियो शेयर नहीं की हमने, और जो डॉक्टर के साथ शेयर की हुई है ना वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और उन्होंने ही बोला था कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। तो मैंने कहा टीटू भाई ये बात बता देनी चाहिए, कहीं ये लोग वो वाला डॉक्टर ना समझे, है ना कि वो वाला डॉक्टर था। तो मेन मेरी बात का कहने का सारा मतलब ये था, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए आप एक डॉक्टर के पास मत रुको, हमेशा दूसरे डॉक्टर से भी आप अनियन लो, अनियन नहीं ओपिनियन लो, अनियन होता प्याज। तो चलो आप टीटू भाई की भावना को समझ गए हो, आप उस पर चलो, बस भावना समझो बस। तो चलो अभी जहाँ हमने मंजिल में जाना था वो पहुँचने वाले हैं, बस कोई जहाज चौंक है वहाँ जा रहे हैं। तो चलो, तो अभी मनी जैसे गए हुए हैं गुरदासपुर, उतनी देर हमने सोचा हम क्यों ना एंजॉय करें, और हम क्या खाने लगे हैं। हमारा एंजॉय ऐसे होता है, मैगी हो मतलब हम पार्टी कर रहे हैं आज, है ना, हमारी पार्टी मतलब मैगी। अच्छा मतलब कि ना मैगी का नाम सुनते ही ना ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी खुशी मिली है हमें, बस आज वो ही खुशी है।
पूरे खानदान के लिए मैगी बना रही हूँ। सब आज मैगी खाएंगे, मैं तो बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ मैगी। मेरे को भी लगता है टाइम वैसे हो गया, पर इतना काफी दिन हो गए हैं मतलब मुझे खाए हुए। मैंने एक बार बीच में बनाई थी जब से मुंबई से आई हूँ ना, एक बार आटा मैगी खाई थी, ये वाली मैगी नहीं खाई। तो अभी फिर शिखा आज मैगी बना रही है क्योंकि मैगी का डिपार्टमेंट शिखा का ही है। अगर मैं यही बोलने वाली थी, ये जो मैगी का डिपार्टमेंट ना घर वालों ने मुझे ही दिया। जब भी मैगी की बात होती है शिखा मैगी बनाएगी। और शिखा खुद भी बोल देती है कि जब इससे पूछा ना कि कुछ खाना है तो कहेगी मैगी बनाऊ, तो मतलब ऑप्शन ही हमें मैगी की मिलती है। मैंने कहा एक दो जनों ने की खानी, सब खाते हैं ना, एंजॉय करते हैं। तो अभी हम करते हैं एंजॉय। मनी वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, वो बाहर ढाबे पे खा रहे होंगे या कहीं और जहां भी। दाल मखनी कहीं भी हम उतनी देर मैगी खाते हैं। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बाय। आप देखो मनी क्या कर रहे हैं। तो अभी जहां हमने जाना था वो काम हो गया है, तो अब वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। पर भूख लगी, घर बिल्कुल पास ही है वैसे, पर घर का खाना तो हम रोज ही खाते ही हैं, तो बाहर खाने का ढाबे का माहौल बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर भाई बोल रहे हैं, कहते ढाबे पे रुकना है, तो चलो थोड़ी देर में हम आपको मिलेंगे घर जाके। A few moments later. तो अभी पेट पूजा हो गई है और खाना इतना टेस्टी, मैंने दाल आज तक इतनी टेस्टी खाई नहीं। अमृतसर की बहुत जगह की फेमस है कहते दाल, वहाँ की खा के देखो मज़ा आ जाएगा। वहाँ हम गए थे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और डीडू भाई यहाँ की दाल को कितने नंबर देते हो आप? 100 में से 100 नंबर। और वो जो फेमस दाल थी यार अमृतसर की, काम की नाम लोन नंबर किसी ने सही कहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो चलो अभी हम रवाना होते हैं अपने घर की तरफ, और अब हम रोड की वीडियो नहीं बनाएंगे, सीधा आ सकेंगे और घर पे मिलेंगे। देखो साक्षी कौन आया? आप आए बाहर? आप आए बाहर, मैं भी यही कहने लगी। देखो चांद छोड़ के गए थे। गाना बोल रहा हूं, देखो चांद आया। टेडू भाई वापस चलो गुरदासपुर, क्योंकि मैंने एंट्री मारी, दोनों में से कोई उठ के खड़ा नहीं होके मिला। कि बंदे को रिस्पेक्ट होती है यार, घर पे कोई आया, कोई एक रात रह के आए कहीं, तो बंदा उठ के मिले। अभी गए हो एक घंटे पहले, फिर मिले हम अभी, स्पेशल इतनी खेचल, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। भाभी तो वही गए हैं टीडू भाई ने, तब नहीं जाके मिलने। तो फाइनली फिर खुश हो ना, ऑपरेशन नहीं हो रहा आपका? बहुत खुश हूँ, खुशी में टीडू भाई आज आपको मैं ना 1,00,000 रुपया दे रही हूँ। दो जी दो। ये आप समझो है वही है, पर खुशी से आपको फटाफट दे रही हूँ। खुशी से दे रहे हैं, दुख से नहीं दे रहे, देने पड़ रहे हैं। टीडू भाई से पैसे निकलवाने को बोला था तो मैंने इनको बताया नहीं कि इनके लिए निकलवाए हैं। तो चलो दोस्तों मुझे भी मिल गया प्रसाद। क्या बात है, ये देखो ये आप अपने हाथों से टीडू भाई को दे दो। दो यार ऐसी खुशी दिया ही मत करो मुझे, बोल दो। आप ये ना सोचना कि टीडू भाई की इतनी सारी सैलरी है। मैं आपको नहीं जानती। चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ आपके अकाउंट का एक्सेस पर्पस है, हम उसमें से निकाल लेंगे। साकी भाभी हम उसमें से जानती हूँ। कमेंट आया एक, कहते आप ये बताओ आपको टीटू पाजी मिले कैसे, या आपने इनको कहाँ ढूंढ लिया, इतने अच्छे इंसान आपको कहाँ मिले? यार क्या करें, अब टीटू पाजी के जो चर्चे हो रही है ना, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सुबह। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अंदाजे लगाते रहो ये हमें कहाँ मिले। बाय बाय।